रेलवे लाकर क्या अंग्रेजों ने किया था भारत पर एहसान। भारतीयों से लगान वसूलकर अंग्रेजों ने बनाई थी रेल पटरी। भारत से करीब 3 लाख करोड़ लूटने वाला ब्रिटिश इकोनॉमी छूटा पीछे। कुछ लोगों का मानना है कि भारत में रेलवे लाकर अंग्रेजों ने हम पर बड़ा उपकार किया है। अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो भारत के पास रेलवे नहीं होता, लेकिन ये आधी अधूरी हकीकत है। सच तो ये है कि ब्रिटिशर्स ने भारत से दिन दहाड़े लूट के लिए अपने फायदे के लिए भारत में रेलवे ट्रैक बिछाया था। साल 1843 में जब पहली बार इंग्लैंड में ट्रेन चली थी, तब भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने कहा था, भारत में रेलवे ट्रेड सरकार और मिलिट्री कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन रेलवे जिस कड़ी पर खड़ी हुई, वो भारतीयों के दिए गए टैक्स और लगान के पैसों से बना। उसमें भारतीय इंजीनियर्स कारीगर के खून पसीने लगे, जिसे उदारवादी ब्रिटिश का एहसान बताते हैं। ब्रिटिशर्स ने भारत में 1853 से लेकर 1934 तक रेलवे ट्रैक बिछाए, और जब भारत में पहली ट्रेन आई तब उसका इस्तेमाल अंग्रेज अपने काम के लिए किया करते थे। जैसे भारत से कच्चे माल, कपास, रेशम, मसाला, चाय ब्रिटेन भेजना हो तो मालगाड़ी के रूप में इसका चलन था। उसमें पैसेंजर ट्रेन के नाम पर थर्ड क्लास से भी बदतर कंपार्टमेंट हुआ करते थे। यानी कि अगर आपको ट्रेन से यात्रा करनी हो तो आपको बहुत महंगे टिकट खरीदना पड़ेगा। हालांकि ये रूल बुक सिर्फ भारतीयों के लिए थी। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज भारतीय रेल से सबसे सस्ती मालगाड़ी टिकट पर भारत से सामान ब्रिटेन पहुंचाते थे। रेलवे में टिकट कलेक्टर से लेकर रेलवे बोर्ड तक सभी डिपार्टमेंट में यूरोपियन और ब्रिटिशर्स को नौकरियां मिलती थी। साल 1862 में रेल का पहला डिब्बा पश्चिम बंगाल और राजस्थान के अजमेर में बनाया गया था। लेकिन रेल के डिब्बे बनाते बनाते भारतीय कारीगर इतने माहिर हो गए कि अंग्रेजों को डर सताने लगा। कहीं भारतीय कारीगर ब्रिटिशर्स से बेहतर डिब्बे बनाने लगे तो उन्हें नुकसान हो सकता है। जिसके बाद 1912 में एक एक्ट पास किया गया, जिसमें भारतीयों को रेल डिब्बों के वर्कशॉप में डिजाइन या मैन्युफैक्चर करने पर पाबंदी लगा दी गई। रेल बनाने के नाम पर भारतीयों को ठगा गया था। दरअसल अंग्रेजों के समय में देश में लगभग प्रति 1.5 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाने के लिए 18,000 पाउंड खर्च आता था, जबकि यही ट्रैक अमेरिका में मात्र 2,000 पाउंड में बन जाता था। देखा जाए तो भारतीय रेलवे को बनाने के लिए देशवासियों ने 9 गुना ज्यादा लगान भरे और मुनाफा सीधा अंग्रेजों के खाते में आता था। अंग्रेजों ने 1765 से लेकर 1938 तक कुल 9.2 ट्रिलियन पाउंड का खजाना भारत से लूटा था, जो कि 3,175 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। अंग्रेजों के जिस लूट को भारतीय रेलवे के विकास का नाम दिया गया, वो दरअसल एक अत्याचार लूट का इतिहास है। और जब भारत अपने बलबूते पर चांद पर जा सकता है, तो ट्रेन बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण है मेक इन इंडिया वंदे भारत। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो आज शान से दौड़ रही है। 16वीं सदी में अंग्रेज भारत आए, तब हमारा देश सोने की चिड़िया यानी कि धन संपदा से फला फूला देश था। लेकिन जब 1947 से अंग्रेज यहाँ से गए, तब भारत की 90% आबादी गरीब हो चुकी थी। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। भारतीय खजाने को लूटने वाला ब्रिटेन पीछे छूट गया है, और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और जल्द ही 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। आज भारत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन खिला रहा है, लेकिन जिस ब्रिटेन ने भारत से 9.2 ट्रिलियन पाउंड यानी कि 3,175 लाख करोड़ रुपए लूटे, वो भारत से कहीं पीछे छूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।